अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, यानी कि जो स्टमक है उसकी ब्लड सप्लाई क्या है और आप इसको किस तरह जल्दी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा और उसी में सब कुछ मेंशन करेंगे। अगर आपके पेपर में आता है तो आप एज इट इज़ जैसे मैं बना रहा हूँ आप वैसे बना सकते हैं, आपके नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टमक का डायग्राम बनाते हैं, फिर वहां से सारा मेंशन कर देंगे। ये स्टमक का डायग्राम है, ठीक हो गया। जस्ट समझने के पर्पस में, ठीक है, आप समझ जाएं कि ये स्टमक है। और अब होगा क्या, यहाँ पर तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, स्फिंक्टर्स हैं, ठीक है, ये एसोफेगस है, यहाँ से फिर आगे ड्यूडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब इतनी सी बात के लिए सबसे पहले आप ये सोचें कि यहाँ पर जो एब्डोमिनल एओटा आ रही है, ठीक है, एब्डोमिनल एओटा, और एब्डोमिनल एओटा जो है, एब्डोमिनल एओटा, ये एब्डोमिनल एओटा है। अब एब्डोमिनल एओटा जो है एक पॉइंट पे आकर, मतलब यहाँ पर एक मेन ब्रांच देता है, यहाँ पर एब्डोमिनल एओटा का एक ब्रांच होता है जो कि बिल्कुल स्ट्रेटली निकलता है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर इस तरह मेंशन किया। यहाँ पर समझें एब्डोमिनल एओटा का एक ब्रांच है जिसका नाम है सीलिएक ट्रंक, ठीक है, तीन ही देता है ना, एक सीलिएक ट्रंक है, एक सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी, एक इन्फीरियर, लेकिन उसका आपका काम नहीं है, आपने सिर्फ इतना देखना है कि सीलिएक ट्रंक होता है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सीलिएक ट्रंक। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ सीलिएक ट्रंक, ये क्या है, सीलिएक ट्रंक है। अब सीलिएक ट्रंक के बाद डायरेक्टली एक ब्रांच सीलिएक ट्रंक से यहाँ से निकलता है, ठीक है, यहाँ से निकलता है और बिल्कुल स्टमक के पीछे जाकर, ये डॉट डॉट मतलब पीछे है स्टमक के, यहाँ पर एक चीज़ है उसको सप्लाई करता है। अब ये क्या है, ये है स्प्लीन, ये स्प्लीन है। तो ये जो सीलिएक ट्रंक ने एक ब्रांच दिया है ना, इसका नाम है स्प्लीनिक आर्टरी, SA, स्प्लीनिक आर्टरी, ये तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक और ब्रांच है, किसका, सीलिएक ट्रंक से एक मेन ब्रांच और आता है जिसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये यहाँ पर इस तरह आता है, थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरह लूप टाइप बनाकर यहाँ सप्लाई करता है बिल्कुल स्टमक के वाल के ऊपर, और छोटे छोटे ब्रांचेस यहाँ पर इस तरह दे देता है। तो इसका नाम क्या होगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो ये हो गया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। उसके बाद क्या होगा कि ये सीलिएक ट्रंक जो है, यहाँ पर सीलिएक ट्रंक एक और मेन ब्रांच दे देता है, ठीक है, मेन ब्रांच एक और देता है, लेकिन इस ब्रांच से दो और ब्रांचेज निकलती हैं, मेन ब्रांच एक और देता है जो कि लिवर को जाके सप्लाई करता है, जिसका नाम है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर क्या है, लिवर है, ठीक है, लिवर है। तो ये क्या होगा, लिवर को जो मेन सप्लाई करेगा इस ब्रांच का नाम होगा ये इसका नाम क्या होगा, हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी मेन ब्रांच है, लेकिन हिपेटिक आर्टरी से दो ब्रांचेज और निकलती है। अब ये जो दो ब्रांचेज है ना, इनमें से एक ब्रांच यहाँ से आती है, इस तरह आती है, ये डॉट और इसके पीछे, इसको पीछे आती है, पीछे आने के बाद इसको यहाँ पर आके रुक जाती है। अब जो ये ब्रांच है ना इसका, इसका नाम है गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। अब ये गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी जो है ये क्या करेगा, गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी यहाँ पर एक और ब्रांच देगा, गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी क्या करेगा, यहाँ पर एक और ब्रांच देगा, इसको मैं ब्लू से शेयर बता देता हूँ, यहाँ पर एक और ब्रांच देगा, ये बिल्कुल यहाँ पर आके रुक जाएगा इस तरह, ठीक है। अब जो ये गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी ने जो मैं एक ब्रांच दी है ना, इसका नाम है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक हो गया। अब ये बात हो गई यहाँ तक। अब उसके बाद हम यहाँ पर शो करते हैं कि यहाँ पर जो एक ब्रांच ये था, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा, इस तरह आएगा और यहाँ पर इसी के वॉल को इसी तरह सप्लाई करेगा और इसको यहाँ पे पियर कर लेगा। अब इसका नाम क्या होगा, ये क्या था, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, अब इसका नाम होगा राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक हो गया।
राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ने यहाँ पर सप्लाई किया, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने ऊपर से सप्लाई किया, ये स्प्लीनिक आर्टरी थी, और ये जो गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी ने एक ब्रांच दिया था राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, एक तो ब्रांच इसने इस तरफ दिया ना राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ने, एक ब्रांच ये इस तरफ भी देगा, एक ब्रांच ये इस तरफ भी देगा, ठीक है, ये भी इसी तरह जाके सप्लाई करेगा। एक राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी था, दूसरा भी इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, ये इस नाम से अप्लाई करता है। अब हमारे पास बचता क्या है, यहाँ पर हमने कहा स्प्लीनिक आर्टरी है, स्प्लीनिक आर्टरी ने क्या करना है, एक ब्रांच स्प्लीनिक आर्टरी इस ब्रांच के साथ यहाँ पर भी एक देगा, इस तरह एक ब्रांच जाके इसके साथ आके जुड़ जाएगा। स्प्लीनिक आर्टरी ने जो छोटा ब्रांच दिया ना, इसका एक नाम है जिसको बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी। देखो ना, राइट गैस्ट्रो, ये जो गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी है, इसने कौन सा आर्टरी दिया था, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। अब ये स्प्लीनिक जो है, स्प्लीनिक आर्टरी, ये एक और ब्रांच देगा जिसका नाम होगा लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है, राइट गैस्ट्रो गैस्ट्रो ड्यूडिनल ने दिया था, और लेफ्ट कौन देगा, स्प्लीनिक आर्टरी देगा, और स्प्लीनिक आर्टरी एक ब्रांच ऊपर की तरफ भी देगा, यहाँ पर एक ब्रांच ऊपर की तरफ भी देगा, जिसका नाम होगा शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो यहाँ पर सप्लाई करेगा, जिसका नाम है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये हमारे पास हो गया पूरा डिटेल ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक। इसको मैं जल्दी से दोबारा रिवाइज करवाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले क्या हुआ, स्टमक का डायग्राम हमने बनाया, उस पर हमने कहा कि एब्डोमिनल एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा से निकलता है सीलिक ट्रंक, सीलिक ट्रंक से पहला ब्रांच निकला स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है, जो कि स्प्लीन को सप्लाई करता है। दूसरा, यहाँ से एक और ब्रांच निकला डायरेक्टली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि यहाँ तक आया। फिर हमने कहा कि हेपेटिक आर्टरी निकलती है लिवर को सप्लाई करने के लिए, ये क्या है, लिवर है, ठीक है, ये क्या लिवर है। अब लिवर के बाद यहाँ पर जो दो मेन ब्रांचेस हेपेटिक आर्टरी के आ रहे थे, एक है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, एक है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि यहाँ पर सप्लाई कर रहा था। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी दो में डिवाइड हो जाता है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी में, जो कि नीचे जाता है। फिर हमने स्प्लीनिक आर्टरी की बात की थी कि स्प्लीनिक आर्टरी दो ब्रांच देता है, एक ऊपर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक नीचे देता है लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी। तो ये हमारे पास पूरा हो जाता है ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक, जो कि सिंपल है, बहुत आसान है, इसी तरह लेकिन आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, या अगर आप समझते हैं, हम आपकी कोई भी हेल्प कर सकते हैं रिगार्डिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, या जो भी फार्माकोलॉजी, फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक जो लेक्चर्स हैं हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे मजीद काम करेंगे। मोस्टली तो हमने अपलोड कर दिए सारे एनाटॉमी के लेक्चर्स, लेकिन कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो कि बहुत पहले बनाए थे, लेकिन उनको अपडेट वर्जन में नहीं बनाया था। ये स्टमक ब्लड सप्लाई पहले भी बनाया था, लेकिन वो कॉपी पेन का टाइम था, अब नया सिस्टम है तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करना चाहा, तो ये आपके पास पूरा डिटेल के साथ ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक। तो बहुत आसान है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा।